नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी अभी जो खबर आ रही है उसके अनुसार रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। ये बहुत बड़ी उनकी जीत है और ये पत्रकारिता की जीत है। जी हाँ, जिस तरीके से पत्रकारों को राज्य सरकारों द्वारा या किसी भी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उसके द्वारा परेशान किया जाता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो टिप्पणी की है, क्या क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, हम आपको उसकी कुछ संक्षेप में से बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह न्याय का मजाक होगा यदि हम इस मामले में दखल नहीं देते तो यह विनाश का कारण बनेगा। सरकार किसी को निशाना नहीं बना सकती। राज्य तीसरे में जो बिंदु उन्होंने रखा है उसमें तीसरे बिंदु पर उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को जानना चाहिए कि पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत थी। ये व्यक्तिगत आजादी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि विचारधारा में मतभेद हो सकता है लेकिन विचारधारा अलग है। विचारधारा यदि आपकी अलग है तो आप रिपब्लिक मीडिया मत देखिए। यानी कि सीधा सीधी इशारा जो था वो सीधा इशारा जो है राज्य सरकार के तरफ है कि रिपब्लिक भारत के विचारधारा से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो रिपब्लिक भारत देखते ही क्यों है। उन्होंने यहां तक कहा है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी पर बंदिश लगाना न्याय का माखौल उड़ाना होगा। अब आप समझ सकते हैं, हम भी एक पत्रकार हैं, अर्णब गोस्वामी एक पत्रकार हैं और भी जो हमारे साथी मित्र पत्रकार हैं उनके लिए भी ये राहत की खबर है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी पर बंदिश लगाना न्याय का माखौल उड़ाना होगा। और पत्रकार जो हैं वो न्याय के साथ ही सच के साथ जो दिखाते हैं अपनी खबरों को, वो चाहते हैं कि जो खबर हमने दिखाई उस पर न्याय हो, उस पे जिसके लिए खबर दिखाई उसके साथ न्याय हो। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक भी कहा है कि दूसरा पक्ष जो है आजादी पर जो रोक लगा रहा है व्यक्तिगत आजादी पर, उसे इससे बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट को भी फटकार लगाई है। जी हां, धनंजय वाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी इस खंडपीठ में थे और खंडपीठ ने मुंबई हाई कोर्ट को भी फटकार लगाई, राज्य सरकार को भी फटकार लगाई है और रायगढ़ पुलिस को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द अर्णब गोस्वामी को रिहा कर दिया जाए, उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए। यानी कि अब कुछ देर में, कुछ कागजी कार्रवाई पूरा होते होते समय लगता है, कुछ देर में अर्णब गोस्वामी फिर से आप और हमारे बीच में होंगे रिपब्लिक चैनल के माध्यम से और अपनी सच्चाई को वैसे ही उजागर करेंगे जैसे वो विगत दिनों करते आए हैं। इन तमाम खबरों पे हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।